हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर एक, सातवें कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कानपुर, सी चेन्नई, डी अहमदाबाद। और इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली। प्रश्न नंबर दो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में हिंदू मंदिर के लिए पुनर्विकास परियोजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी बहरीन। और इसका सही उत्तर है डी बहरीन। प्रश्न नंबर तीन, हाल ही में कौन सा देश एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का सदस्य देश बना है? ऑप्शन है ए तुर्की, बी सऊदी अरब, सी सर्बिया, डी कुवैत। और इसका सही उत्तर है सी सर्बिया। प्रश्न नंबर चार, फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब से की गई? ऑप्शन है ए 26 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 30 अगस्त। और इसका सही उत्तर है बी 29 अगस्त। प्रश्न नंबर पांच, फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया? ऑप्शन है ए स्कारलेट जोहानसन, बी निकोल किडमैन, सी सोफिया वर्गीज, डी प्रियंका चोपड़ा। और इसका सही उत्तर है ए स्कारलेट जोहानसन। प्रश्न नंबर छः, एशिया का सबसे पुराना डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? ऑप्शन हैं ए मोहन बागान, बी एयर इंडिया, सी आर्मी ग्रीन, डी गोकुलम केरला एफसी। और इसका सही उत्तर है डी गोकुल केरला एफसी। प्रश्न नंबर सात, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस ऊर्जा संसाधन को अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शन हैं ए भूतापीय ऊर्जा, बी समुद्री ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी कोल ऊर्जा। और इसका सही उत्तर है बी समुद्री ऊर्जा। प्रश्न नंबर आठ, सुर्खियों में रहा दीपोर बील वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी सिक्किम। और इसका सही उत्तर है ए असम। प्रश्न नंबर नौ, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस महीने को पोषण के महीने के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं ए अगस्त, बी सितंबर, सी अक्टूबर, डी नवंबर। और इसका सही उत्तर है बी सितंबर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में डोकडो द्वीप सुर्खियों में रहा है यह स्थित है ए प्रशांत महासागर में, बी दक्षिण चीन सागर में, सी जापान सागर में, डी अटलांटिक महासागर में। और इसका सही उत्तर है सी जापान सागर में। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में आयोजित हुए सातवें कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन की थीम क्या है? ऑप्शन हैं ए साधारणीय विकास लक्ष्य, बी समाज के लिए रेडियो, सी रेडियो एक चौथा स्तंभ, डी विकास की राह में रेडियो का योगदान। और इसका सही उत्तर है सुधारणीय विकास लक्ष्य। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी नामक पुस्तक का अनावरण किया जाएगा, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन हैं ए सचिन बंसल, बी मिहिर दलाल, सी बी एम कुट्टी, डी शशि थरूर। और इसका सही उत्तर है बी मिहिर दलाल। प्रश्न नंबर 13, भारतीय तीर अंदाज कोमालिका बारी ने विश्व तीर अंदाजी की रिकर्व कैडेट वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन हैं ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक,
सी रजत पदक, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ए स्वर्ण पदक। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में 8 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं ए अशोक गहलोत, बी रामनाथ कोविंद, सी कल्याण सिंह, डी स्मृति ईरानी। और इसका सही उत्तर है सी कल्याण सिंह। प्रश्न नंबर 15, फिक्की ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड 2019 समारोह में किस राज्य को बेस्ट टूरिज्म मार्केटिंग कैंपेन अवार्ड दिया है? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी केरल, डी तमिलनाडु। और इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। प्रश्न नंबर 16, अमेरिका के डीसी साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म का चयन किया है? ए मछली, बी चिड़ी बल्ला, सी बाबा सारी लाडली, डी बाई चाली ससरिये। और इसका सही उत्तर है बी चिड़ी बल्ला। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले करंट अफेयर्स में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था जो था हाल ही में अनुभव अवार्ड 2019 प्रदान किया गया, यह किस वर्ष से आरंभ किया गया था? और इसका सही उत्तर है 2016। आपके लिए आज का प्रश्न है, नासा ने किस ग्रह पर खोज के लिए अपने अगले यूरोप क्लिपर स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। जल्दी कीजिए, सही उत्तर दीजिए। आप इसी तरह हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर से जुड़े रहिए और अपने करंट अफेयर्स के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं सुरेंद्र सोनी, संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग सेंटर श्री गंगानगर के निदेशक श्री संजय चौधरी की तरफ से आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपको दी गई करंट जीके में एक भी गलती न हो, लेकिन यदि किसी स्रोत या मानवीय भूल की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में उसे गलती सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। धन्यवाद।